अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 19, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रॉब्लम 37। हमें फिक दिखाई गई है जिसमें हाइपोथेटिकल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है एक सैंपल एन गैस पार्टिकल्स की। वो कहता है पीवी जीरो है जब आपकी स्पीड वी ग्रेटर देन 2V नॉट होगी, यानी 2V नॉट के बाद स्पीड जीरो हो जाती है, आपके पास पीवी जीरो हो जाती है। अब क्या जना वो वैल्यू मांग रहा है एवी नॉट की, एवरेज वेलोसिटी ओवर वी नॉट की, वीआरएमएस ओवर वी नॉट की, और पूछ रहा है कितनी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल 1.5 से वी नॉट से 2V नॉट के बीच के अंदर होंगे। अब हम जानते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास ओवर द स्पीड वो इक्वल टू 1 होती है जब आप इंटायर तमाम पार्टिकल्स को देखते हैं। तो अब हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं तो वो इसी कर्व के अंदर अंदर ही, तो हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रल ले लेते हैं दो हिस्सों में, एक में ट्राइंगल है एक में आपके पास रेक्टेंगल है। हम जानते हैं एरिया अंडर द कर्व टोटल इंटीग्रल के बराबर आ जाएगा, तो एक में 1/2 बेस इंटू हाइट के कंसेप्ट से डाल देंगे, अगले में ए वी नॉट आ जाएगा क्योंकि 2V नॉट से वी नॉट निकालेंगे, वी नॉट इधर से ए आ जाएगा, ये 3/2 ए वी नॉट होगा और हम जानते हैं इसका जवाब 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से ए वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2/3 0.67 हम कह सकते हैं, तो पहली चीज तो निकल आई। फिर V एवरेज ओवर V नॉट निकालनी है। अब V एवरेज निकालने के लिए इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे, पहले हम ट्राइंगल पार्ट की जो है उसमें एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, फिर रेक्टेंगल की एवरेज देखेंगे, फिर टोटल निकाल लेंगे, फिर जब टोटल पता लगेगी तो उसे फिर V नॉट से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं अब वो ट्राइंगल पोर्शन के लिए जो पीवी होता है वो ए वी ओवर V नॉट होता है। अब जो फंक्शन है एवरेज वेलोसिटी का वी पीवी डीवी, अब इसमें हम पीवी की वैल्यू डाल सकते हैं, कांस्टेंट ए और वी नॉट को बाहर डाल निकाल देंगे, वी और इस वी से मिलके ये वी स्क्वायर डीवी हो जाएगा, इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो ये ए वी नॉट ओवर 3V आ जाएगा। मेरे पास चूंकि ए वी नॉट की वैल्यू है तो इस स्केयर को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, इसकी जगह ए वी नॉट की 2/3 डाल देंगे, ये सॉल्व करेंगे तो 2V नॉट/9 आ जाएगा। मगर ये किस पोर्शन के लिए आया, ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए। अब यही काम हमने किसके लिए करना है, रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए। रेक्टेंगुलर पोर्शन में पीवी बराबर होता है ए के, अब हम इसके अंदर पीवी की जगह ए डाल देंगे, ए बाहर डाल देंगे, इसको इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो ये आपके पास सारे को सॉल्व करेंगे तो वी नॉट के बराबर आ जाएगा। इसके नीचे मैंने ट्राइंगल डाल दिया कि ये एवरेज वेलोसिटी जो मैंने निकाली ये ट्राइंगल में निकाली, इसके नीचे मैंने रेक्टेंगल डाल दी कि जो मैंने निकाली वो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए निकाली। टोटल कैसे निकलेगी, दोनों को सम करके, वो मैंने दोनों को सम कर दिया, ट्राइंगल पार्ट की एवरेज और जो आपकी रेक्टेंगुलर पार्ट की थी ये 1.22V नॉट आ जाएगी। अब मुझसे जो रेशियो मांगी गई है वो तो वी एवरेज ओवर वी नॉट की मांगी गई, जब मैं वी नॉट यहाँ से उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं तो रेशियो 1.22 के बराबर आ जाएगी। अब इसी तरीके से अगली चीज हमसे आरएमएस मांगी गई है, तो आरएमएस को सॉल्व करने के लिए हम दोबारा से देखते हैं। अब अगेन मैं ट्राइंगल पोर्शन पहले देख लेता हूँ, पीवी तो वही रहेगा ए वी स्केयर ओवर वी नॉट, और अब वी आर एम एस होल स्केयर होता है वी स्केयर पीवी डीवी के। तो जनाब जब हम पीवी की वैल्यू इसमें डालेंगे, कांस्टेंट बाहर उठा लेंगे, इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, ये सारा वी नॉट स्केयर बाई 6 आ जाएगा, इसमें ए वी की वैल्यू शुरू में हमने निकाल ली थी वो वैल्यू प्लेस कर देंगे। इसी तरह रेक्टेंगल पोर्शन के लिए हम करेंगे, उसमें पीवी ए के बराबर होता है, ए डालेंगे बाहर आ जाएगा, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद जो हम इसे देखेंगे तो ये 14/9 वी नॉट स्केयर आ जाएगा। अब हम कहेंगे टोटल आरएमएस वैल्यू वो इसके बराबर आ जाएगी, चूंकि इसका भी स्केयर है ना, तो आपके पास वो दोनों साइडों को स्केयर रूट डाल देंगे दूसरी तरफ दोनों को सम अप करके, तो इस सारे की वैल्यू आ जाएगी 1.31 वी नॉट। इसमें से चूंकि मुझे वी आरएमएस और वी नॉट चाहिए तो 1.31 की रेशियो आ जाएगी। फिर वो मांग रहा है हमसे कि भाई आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल जो इस रेंज के अंदर अंदर होंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम जानते हैं n बराबर आ जाएगा 1.5 वी नॉट से 2V नॉट, जो उसने स्टेटमेंट में दिया पीवी डीवी। रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए पीवी a के बराबर होता है, a बराबर आ जाएगा, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे 2V नॉट -1.5V नॉट, ये 0.5 आ जाएगा, ए वी नॉट की वैल्यू हमें पता है 2/3, ये 2 से 0.5 से बैलेंस हो जाएगा, n/3 आ जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो कुल पार्टिकल का जो आपके पास तीसरा हिस्सा है वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये जना हमारे पास सलूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।